शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। परी परी मैं भी आ रही हूं। परी रुको, ¡Gracias!
अभी मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। परी आई लव यू, पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जा। परी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जाने अब क्या होने वाला है, क्या खबर आने वाली है? सेठानी जी, जो सवाल जवाब आपके मन में चल रहे हैं वो आप फोन करके सौम्य भैया से काहे नहीं पूछ लेती हैं? जवाब मिल जाएगा। सौम्य पराशर का फोन है। रिंग तो जा रही है लेकिन सौम्य फोन ही नहीं उठा रहा। हेलो हेलो जी, ये सौम्य का ही फोन है ना? मैं उसकी मामा बोल रही हूँ। आप? जी हाँ, ये मिस्टर पराशर का ही नंबर है। मैं होटल का मैनेजर बोल रहा हूँ। मैनेजर जी, सौम्य का फोन आपके पास क्यों है? एक्चुअली उनकी वाइफ का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। वो लिफ्ट में जा रही थी और ऊपर हालत बहुत ही सीरियस थी, इसलिए मिस्टर सौम्य उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं। अब मैं भी अभी हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ, प्लीज आप थोड़ी देर के बाद फोन कर लीजिए। जी थैंक यू। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं, कोई खुशखबरी? हाँ चमेली, बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी। परी का एक्सीडेंट हो गया। वो लिफ्ट में थी और लिफ्ट गिर गई। जयराम जी की हुई गई? हाँ, बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। इस बार उस परी का बचना नामुमकिन है। परी की रक्षा करना अब आप ही का सहारा करो। नहीं जा
डॉक्टर प्लीज मेरी वाइफ को बचा लीजिए। डॉक्टर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज परी को बचा लीजिए। देखिए हिम्मत रखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। जस्ट वेट। हाँ से गिर गई। मामा आप सच कह रही हैं, ये तो बहुत अजीब खबर है। इसका मतलब गुरुजी की भविष्यवाणी सच साबित होगी। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। इसी पल का तो मुझे इंतजार था। अब मेरे और सौम्य के बीच में परी कभी नहीं रहेगी। ओके सौम्य बिल्कुल ठीक ठाक है। परी परी अपने आखिरी पल गिन रही है। मामा मैं बहुत खुश हूं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने खुद होटल के मैनेजर से बात की है, उसने बताया कि सौम्य बिल्कुल ठीक ठाक है और परी की हालत बहुत सीरियस है। क्या बात है भाई, आप एकदम से ऐसे परेशान क्यों हो गए? आज तो खुशी मनाने का दिन है। हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो गया है। हाँ काम है, हमने जैसे सोचा था बिल्कुल वैसे ही हो गया। पर ये खबर बाबूजी को सुनाएगा कौन? परी की ऐसी हालत के बारे में जब बाबूजी को पता चलेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा? बस यही सोच सोच कर मैं घबरा सा जाता हूं। रघु मन बड़ा बेचैन है, एक अजीब सी घबराहट है मन में। दिल रह रह के घबरा रहा है, पता नहीं परी ठीक है कि नहीं। पराशर साहब, आपकी परी ठीक नहीं है। पराशर साहब, परी लिफ्ट में थी और लिफ्ट गिर गई। और परी बहुत बुरी तरह से जख्मी हुई। जिंदगी और मौत के साथ लड़ रही है परी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी परी को कुछ नहीं हो सकता। काश ऐसा ही होता, मगर सच तो यह है पराशर साहब कि
परी की हालत बहुत नाजुक है। हर पल वो अपने मौत के साथ लड़ रही है। अब तो पगवारी जाने, मालिक आ रहा। हाँ जी, एयरपोर्ट जाएंगे। हमें जो भी पहली फ्लाइट मिलेगी उसे पकड़ के हम अपनी परी के पास पहुंचना चाहते हैं। जी, जी मालिक। ये आपका मोबाइल होटल में गिरा मिला था। आपकी माताजी का भी फोन आया था, मैंने उन्हें एक्सीडेंट के बारे में बता दिया। और आप किसी और को भी इन्फॉर्म करना चाहे तो मुझे कहिए, मैं कर दूंगा। थैंक यू। मैं खुद कर लूंगा। हेलो तनीम, आप जीवन निधि हॉस्पिटल आ जाइए। इतनी रात को हॉस्पिटल क्यों, क्या बात है? परी का एक्सीडेंट हो गया है। कैसी?
डॉक्टर आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन परी कैसी है? डॉक्टर ठीक तो हो जाएगी ना? शी इज इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं पर डॉक्टर पर क्या? देखिए डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर मेरी परी को कुछ नहीं होना चाहिए। अब बाहर से डॉक्टर्स बुलाइए, स्पेशलिस्ट बुलाइए, लेकिन परी को कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर प्लीज। देखिए हम भी यही चाहते हैं, और जिस हालत में उनकी तबीयत है उस कंडीशन में ऑपरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ऑपरेशन करने से पहले उन्हें स्टेबल कंडीशन में लाना होगा, वरना स्थिति और भी बिगड़ सकती है। डू नॉट वरी, वी'ल ट्राई आवर बेस्ट, टेक केयर। धक से रुकी धड़कन, थर्रा गया तन मन, कानों ने ये क्या आज सुन लिया? क्षण से है कुछ टूटा, पल भर में सब छूटा, कैसे ये आशियां बिखर गया? हो कैसे मैं जीऊंगा तुम बिन, बिखरूंगा मैं पल पल छिन छिन, रुक जा न जाओ साथियां, इतने हम दूर कैसे हो गए? हो दिल को कुछ पता ही ना चला।